मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आमतौर पर शादी में लोग खूब खर्चा करते हैं। पंडित के मंत्रोच्चार के साथ लग्न फेरे की रस्म मंडप में निभाई जाती है, लेकिन खरगोन में नव युवा जोड़ों ने अनोखी मिसाल पेश की है। खरगोन की अंजलि रोखड़े और कसरावत के व्रज कलमे ने न फेरे लिए न ही लग्न की परंपरा निभाई, बल्कि भारत के संविधान की शपथ लेकर विवाह बंधन में बंधे। खरगोन के सद्भावना मार्ग स्थित धर्मशाला में नव युवा जोड़ों ने अपने विवाह में अग्नि के साथ फेरे न लेते हुए संविधान की शपथ लेकर शादी की रस्म को पूरा किया। खर्चीली शादी और रूढ़िवादी परंपराओं से बचने के साथ शादी में होने वाले खर्च को समाज हित और देश हित में खर्च करने की शपथ भी ली। दूल्हे राजा व्रज कलमे ने इस शादी से समाज में एक संदेश देने की बात कहते हुए बताया कि शादी कम खर्चे में हो, जिससे दोनों परिवारों को किसी तरह का बोझ ना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये शादी की है। ऐसे ही सभी लोग कम खर्चे में शादी करें, इसलिए आज हमने संविधान की शपथ लेकर शादी की है। दुल्हन अंजलि रोकड़े ने भी शादी से खुश होते हुए बताया कि आज हमने एक नई मिसाल पेश की है और नई पीढ़ी भी इस तरह से शादी करके मिसाल पेश करे। समाज सेवी रामेश्वर बड़ोले इससे नव युवाओं की नई सोच बताते हुए सराहते हुए नजर आए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि नए तरीके से जिसे माने कि अमूमन जो शादी होती है वो जो परंपराएं होती है शादी की वो निभाई जाती है, लेकिन उससे अलग आज संविधान की शपथ लेकर शादी कर दी जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संविधान के प्रति हमारी प्रायोरिटी हम बताना चाहते हैं, और हम किसी और से उम्मीद क्यों करें किसी तरह के बदलाव की, क्यों ना हम खुद शुरुआत करें इस चीज़ की। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ नया हो और किसी तरह की कोई रस्म ना हो, किसी तरह का कोई रीति रिवाज ना हो जिसमें समय का बेफिजूल में खर्च हो, जो समय भी। परिवार का क्या कहना था जब आप लोगों ने इस तरह की प्लानिंग की होगी, क्या टीम बनी परिवार के बीच में? परिवार की तो सहमति थी। हाँ, क्या संदेश देना चाहते हैं? बस किसी तरह की कोई रीति रिवाज ना हो और बेवजह कोई खर्चे ना हो। क्या नाम है? हाँ, नाम आपका? अंजलि रोकड़े। संविधान की शपथ लेके शादी कर रहे हैं तो दहेज भी नहीं ले रहे हैं, क्या इसके पीछे सोच आपकी, क्या उद्देश्य है? हम चाहते हैं कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली है, जो खर्चालू शादियाँ हो रही है, वो बंद हो, कॉम्पिटिशन ना चले आपस में कि उसके अगर इतनी अच्छी शादी हुई तो मैं कर्ज लेकर शादी करूँ। हम चाहते हैं कि समाज में सुधार आए, लेने देने की सारी परंपराएं बंद हो, जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना ही खर्च करे, मतलब कर्ज लेकर वो शादी ना करे। यहाँ देख रहे हैं कि जो परंपराएं होती है शादी के लिए वो सारी छोड़ कर आप संविधान की शपथ ले रहे हैं, ना फेरे होंगे ना लग्न होंगे ना किसी तरह की कोई रीति नीति। हर शादी मतलब जिस तरीके से शादी होती है वो सारी शादियों को संवैधानिक मान्यता मिलती है, ठीक है। तो ये भी हमने हमारा अनोखा तरीका निकाला है संविधान के सम्मान में। अमूमन होता क्या है कि जब घरेलू बातें आती है रीति रिवाजों की तो संविधान को सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है, लेकिन हम उसे हमारी शादी में प्राथमिक दर्जा दे रहे हैं। कैसे दिमाग में आई आपके काम इस तरह से? मैं काफ़ी सालों से समाज सेवा में काम कर रहा हूँ, मैं काफ़ी काम कर भी चुका हूँ। जैसे मेरे पिताजी का देहदान किया गया था, उसके बाद मैंने एक संस्था खोली जिसमें अब तक 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट को निःशुल्क शिक्षा दे चुके हैं, कई युवाओं को रोजगार से लगा चुके हैं ट्रेनिंग देकर। तो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ऐसे उथल पुथल मची रहती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि उन्हें शादी को अनोखी बनाया जाए, जिससे समाज तक मैं अपने जितने काम कर रहा हूँ उसका संदेश पहुँचा सकूँ कि आप स्वयं भी काम कर सकते हो अपने स्तर पर। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े संगठन बनाओ, बड़ी टीमें बनाओ, ग्रुप बनाओ, आप अकेले भी काम कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। वज्र कलमे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।